आप देख रहे हैं एलटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ी खबर आई और खबर उनके फैंस को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कोरोना महामारी की वजह से फिलहाल अपने घर में ही है। कुछ खिलाड़ियों ने इंडोर प्रैक्टिस शुरू कर दी है, वहीं कुछ खिलाड़ी अब आईपीएल की तैयारियों में जुट गए। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों आईपीएल की नई तारीखों का ऐलान हुआ। इससे पहले 29 मार्च से आईपीएल 2020 की शुरुआत होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद सभी खिलाड़ी अपने घर में घुस गए। दरअसल बड़ी बात यह है कि फिलहाल कोरोना महामारी एक विकराल रूप ले चुकी है हिंदुस्तान में। ऐसे में खिलाड़ियों की वापसी को लेकर भी तमाम असमंजस की स्थितियां बनी हुई। दरअसल आपको बता दें कि बीसीसीआई ये पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों के लिए ही कैंप लगाएगी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। बताया जा रहा है कि पहले मोटेरा स्टेडियम में या फिर धर्मशाला के स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए 4 हफ्ते का कैंप ऑर्गेनाइज किया जाना था और उसके बाद सितंबर के महीने में खिलाड़ी यूएई जाते, फिर बायोसिक्योरिटी गवर्नमेंट में रहते, अपनी अपनी फ्रेंचाइजी से जुड़ते और फिर आईपीएल खेलते। ऐसे में खबरें हैं कि धोनी को अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों का कैंप यूएई में ही ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है बायोसिक्योरिटी गवर्नमेंट को देखते हुए। हालांकि मोटेरा स्टेडियम में भी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन अगर मोटेरा स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं होती है तो फिर भारतीय खिलाड़ी यूएई में जाके ही प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को तरोताजा करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल यूएई नहीं जाएंगे, फिर वो जाएंगे आईपीएल के दौरान अपनी फ्रेंचाइजी के साथ ही जाएंगे। फिलहाल भारतीय खिलाड़ियों के कैंप में धोनी के लिए नो एंट्री है और ये थोड़ा सा दुखद है क्योंकि धोनी की वापसी का इंतजार कई महीनों से, करीब 1 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, उनके फैंस कर रहे हैं। धोनी की वापसी की उम्मीदें जगी थी जब आईपीएल शुरू होने वाला था 29 मार्च से, लेकिन अब 19 सितंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है फैंस को और उसके बाद ये महेंद्र सिंह धोनी को पीली जर्सी में फिर देखते नजर आएंगे। फिलहाल नीली जर्सी का क्या अपडेट है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम के कैंप में महेंद्र सिंह धोनी उसका हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस साल की जनवरी में धोनी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। और अगर देखा जाए तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े खिलाड़ी यानी कि करीब 30 खिलाड़ी कैंप का हिस्सा होंगे और बाकी खिलाड़ियों को फिलहाल ट्रेनिंग का उतना मौका नहीं मिलेगा। अब देखना होगा कि किस तरीके से धोनी की वापसी होती है और किस तरीके से वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हो सकता है कि रांची के जेएससीए स्टेडियम में भी वो प्रैक्टिस शुरू कर दें। जैसी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। हमारे चैनल एलडी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।